हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छा खासा कंपनी ने प्रीवियस ईयर्स में काफी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन चार्ट देखेंगे तो काफी जिगजग भरा चार्ट है इनका, और परफॉर्मेंस बीच में एक थोड़ा सा डाउन भी गई थी। और ये कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है कंपनी, और अच्छा खासा कंपनी के पास में एक इंडस्ट्रीज को कंपनी जो है सर्व करती है। मैं आपके सामने रखूं कौन कौन से इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी जो है काम कर रही है, क्या क्या कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एयर कूलर्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, बाथरूम फिटिंग्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम्स जो लॉन्च की है हमारे जो घरेलू उद्योग को बढ़ाने के लिए और हमारे घरेलू उद्योग को एक सपोर्ट करने के लिए, तो ये कंपनी उन्हीं से ही रिलेटेड काम कर रही है। और एयर कंडीशनर्स का आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पर बैन कर दिया है, बाहर से जो चीप जो एसीज थे उन पे ही क्या है बैन कर दिया है, और ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट ये कंपनी जो बनाती है उन सब पे पीएलआई स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च भी की है। मैं आपके सामने इनका क्लाइंटेल रखूं तो आप देखेंगे तो एक हाईली इनके पास में नामी गिरामी क्लाइंटेल इनके पास में मौजूद है, एमस्टर्ड, ब्लू स्टार, ब्राइट ऑटोप्लास्ट, बीपीएल, कैरियर, सेलो, क्रॉम्पटन, फ्लिपकार्ट, गोदरेज, हायर। तो आप देख सकते हैं नामी गिरामी इनके पास में जो है क्लाइंटेल मौजूद है जो इनसे अपने जो है ये प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। और मैं आपके सामने रखूं तो कंपनी ने फिलहाल अभी जो है पीजी प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई एंटिटी भी अपनी ओपन की है, एक नई कंपनी उन्होंने स्टार्ट की है, और जिसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये अपना जो आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उनके बेनिफिट्स को ये अवेल करना चाहते हैं, और इन्होंने अपना जो है इसको स्टार्ट किया है पीजी प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी एक होली ओन सब्सिडियरी, और इन्होंने बना ली कंपनी नई स्टार्ट करती है जिनके अंतर्गत ये कंपनी और भी प्रोडक्ट बनाती हुई दिखेगी। जैसे ही अपने जो अभी जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है इन्हीं को ही आगे और ज्यादा बढ़िया तरीके से और बनाती दिखेगी, लार्ज स्केल पे बनाती हुई दिखेगी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एयर कूलर्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, बाथरूम फिटिंग्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। बढ़िया कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और मैं आपके सामने रखूं तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फ्लैगशिप कंपनी है पीजी ग्रुप की, और ये कंपनी जो है स्टार्ट हुई थी 1977 में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो फॉर्मली जिसका जो सेटअप हुआ था वो 2003 में सेटअप हुआ था। इसका लार्ज लीडिंग डाइवर्सिफाई इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और देखेंगे तो डिक्सन जिस तरीके से जो काम कर रही है काफी प्रोडक्ट्स इससे मिलते जुलते हैं, और कंपनी एक अच्छा खासा काम कर रही है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास स्पेशलाइज है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में, ODM में, एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी जो है एक अच्छे खासा जो है कंपनी काम कर रही है। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोवाइडिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन टू 30+ लीडिंग इंडियन एंड ग्लोबल ब्रांड्स। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हैज बिल्ट 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अक्रॉस ग्रेटर नोएडा इन उत्तर प्रदेश, रुड़की इन उत्तराखंड एंड अहमदनगर इन महाराष्ट्र, एंड हैज 2000+ एम्प्लॉयज कंपनी के पास में मौजूद है। की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक मोल्डिंग, फिनिश्ड प्रोडक्ट असेंबली, स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट्स, टूल मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंट एंड सर्किट बोर्ड्स, पीयू पेंट शॉप। कंपनी का आप देख सकते हैं की मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटीज हैं कंपनी के पास में एक अच्छी खासी कैपेबिलिटीज मौजूद है, और 1977 से ये ग्रुप जो स्टार्ट हुआ उसके बाद में आप देख सकते हैं कंपनी धीरे 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 जो इन्होंने जो अपने जो प्रोडक्ट को जो बढ़ाया है, प्रोडक्ट को जो एनहेंस किया है, और न्यू प्रोडक्ट जो कंपनी धीरे 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 जो बनाती रही है, और कंपनी ने एक अच्छा खासा अपना सेटअप बना लिया है और बढ़िया तरीके से कंपनी जो है काम कर रही है। तो अभी फिलहाल 2021 में अगर मैं आपके सामने रखूं इनकी जो परफॉर्मेंस जो है और कंपनी ने जिस तरीके से आगे जो प्रोडक्शन जो स्टार्ट किया है तो देखेंगे, एसी आउटडोर यूनिट असेंबली कैपेबिलिटीज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड ODM प्लेटफॉर्म फॉर फुली ऑटोमोटिव वॉशिंग मशीन्स, डेवलप्ड एंड लॉन्च ODM प्लेटफॉर्म फॉर एयर कूलर। तो देख सकते हैं कंपनी ने जो ODM जो लॉन्च किए हैं, ODM प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किए हैं एयर कूलर्स के लिए, ऑटोमोटिव वॉशिंग मशीन्स के लिए, तो कंपनी जो है एक अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रही है, और एवरी ईयर कंपनी जो है प्रोग्रेस कर रही है, उस पर कंपनी पूरा ध्यान दे रही है कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड है और किस तरीके से ये जो है उनकी जो है एक ग्रोथ
अवेल कर सकते हैं। और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कंपनी एक अच्छा खासा काम कर रही है और पीएलआई स्कीम के थ्रू तो इनके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल ही रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। इंडस्ट्रीज देख सकते हैं कंपनी, मोबाइल फोन्स भी जो है कंपनी आगे बनाती हुई दिखेगी, और देख सकते हैं एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एयर कूलर्स, बाथरूम फिटिंग्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, मोबाइल कंपोनेंट्स। तो देख सकते हैं धीरे धीरे कंपनी जो है और आगे न्यू प्रोडक्ट कंपनी जो है बनाती हुई दिखेगी। तो डिक्सन का ही एक तरीके से देखें तो आप ये एक स्मॉल जो है एक फॉर्मेशन है, डिक्सन का ही स्मॉल फॉर्मेशन है, और ये भी कंपनी का जो शेयर है बहुत अच्छा खासा ऊपर चढ़ चुका है और आगे भी इसमें एक बेहतरीन चांसेस आगे बनते हुए दिखेंगे। और स्मॉल कैप कंपनी है, की क्लाइंट्स मैंने आपके सामने रखी दिए, बढ़िया की क्लाइंट्स कंपनी के पास में मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस कंपनी के पास में मौजूद हैं। की लीडरशिप की अगर बात करें तो मिस्टर अनुराग गुप्ता चेयरमैन एंड ईडी हैं, टेक्निकली इनको टेक्निकल में 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनको, और आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी जो मैनेजमेंट की टीम इनके पास में मौजूद है, लीडरशिप टीम इनके पास में मौजूद है। लार्जेस्ट प्लास्टिक कंपोनेंट सप्लायर है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री के लिए इंडिया में, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, लीडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड्स, डायवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एंड इनहाउस टूल डिजाइन एंड आरएनडी कैपेबिलिटीज मौजूद है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रिलेशनशिप मौजूद है मार्की क्लाइंट के साथ, हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम मौजूद है कंपनी के पास में, एंड प्लास्टिक मोल्डिंग में जो ये काम कर रहे हैं, एंड साथ के साथ जो कंपनी आगे जो स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट्स के लिए भी कंपनी जो है काम कर रही है, टूल मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा काम कर रही है, एंड पीवीसी पीसीबी असेंबलीज में देख सकते हैं आप बढ़िया काम कर रही है, पीयू पेंट शॉप एंड कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन आरएनडी तो कंपनी के पास में एक अच्छी खासी मौजूद है ही है। एंड साथ के साथ आप ग्रोथ स्ट्रेटेजीज अगर आप देखेंगे कंपनी की तो आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही है सच एज डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, पावर फॉर ऑल एंड जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी आर प्रोवाइडिंग फ्रेश इंप्यूटस टू द कंज्यूमर अप्लायंसेज एंड ड्यूरेबल इंडस्ट्री, और रैपिड रेट अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ यंग पॉपुलेशन विद राइजिंग इनकम लेवल्स इज लीडिंग टू लार्ज इमर्जिंग मिडिल क्लास इन इंडिया एम्प्लाइंग ह्यूज पोटेंशियल डिमांड फॉर द कंज्यूमर अप्लायंसेज एंड ड्यूरेबल मार्केट इन कमिंग ईयर्स। तो बढ़िया एक तरीके से जो है आगे फ्यूचर ग्रोथ है, इंडस्ट्री की आउटलुक बढ़िया है, पॉजिटिव आउटलुक्स के हिसाब से जो है कंपनी एक अच्छा खासा काम आगे करती हुई दिखेगी। और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है हमारे यहाँ जो प्रमोट कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को, तो उससे भी कंपनीज को ये काफी अच्छा खासा फायदा मिलेगा और यहाँ की जो कंपनीज है उनके लिए न्यू एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं। इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी कंपनी जो काम कर रही है मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा हाईली अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट को मिली हुई है और बहुत ही हाईली ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट इसको देखते हुए। फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंपनी फोरसीज लार्ज अपॉर्चुनिटी इन प्लास्टिक मोल्डिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल इन अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, रूम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, अपॉर्चुनिटी इन द ओडीएम स्पेस फॉर प्रोडक्ट लाइक एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, रूम एयर कंडीशनर, इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशियंसी लीडिंग टू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी एंड हायर कैश फ्लोज, reinvesting to improve strategic capabilities to reap business future benefit, future outlook बहुत ही अच्छा खासा है कंपनी के पास में, product business to drive growth for the company and companies developing new offerings in focused segments and will be launching the same in coming quarters, and company का जो management है वो अच्छा खासा time देख रहा है आगे अपने जो business segments में, उनको लगता है कि आगे बढ़िया परफॉर्मेंस आगे आती हुई दिखेगी। रेवेन्यू देखें आप, इविडता देखें आप, क्या गजब के इविडता रेवेन्यू में इनके जो है ग्रोथ रही है, 22% रेवेन्यू सीएजीआर, 20% सीएजीआर इविडता देख सकते हैं आप, तो बढ़िया परफॉर्मेंस जो है कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है, ग्रोथ देखें आप बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिखी है कंपनी के जो है परफॉर्मेंस में, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ये अभी जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स जो लॉन्च की हैं उनसे एक बढ़िया आगे परफॉर्मेंस और बनती हुई दिखेगी इस कंपनी के लिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब करीब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है FY22 में, और ये फोकस कर रहे हैं अपना एसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को एनहेंस करने की, तो इसमें भी कंपनी जो है लगी हुई है जिससे कि आगे जो है इनको एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और केपेक्स प्लान है आप देख सकते हैं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है करने वाली है, एंड साथ के साथ जो कैपेसिटी जो एक्सपेंशन करेंगे उससे क्या है कि इनका जो पीएलआई जो इस समय पे जो स्कीम जो चली हुई है गवर्नमेंट की जो पीएलआई जो क्राइटेरिया है उसको ये मीट कर पाएंगे, तो इसलिए कंपनी जो है
आगे अपना एक्सपेंशन करने लग रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने लग रही है, जिससे इनको एक आगे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखेंगी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट का जो बना हुआ है उसको देखते हुए, और इनके पास में जो इस समय पर 6 units मौजूद हैं कंपनी के पास में, तो धीरे 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 जिस तरीके से आगे जरूरत पड़ रही है, जिस तरीके से इनके लिए अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं, तो कंपनी भी उसी के हिसाब से काम करती हुई नजर आ रही है, वो बेहतरीन है। और अगर ये ऐसे अगर काम करते रहे हुए तो शेयर बहुत ही दमदार आगे परफॉर्मेंस और दिखाता हुआ नजर आएगा। देख सकते हैं इस समय पर 10 की फेस वैल्यू है, 87 की इस समय पर इनकी जो है बुक वैल्यू है कंपनी के शेयर की, और मैं आपके सामने रखूं यहाँ पे तो आप देखेंगे तो इनका डिविडेंड एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो डिविडेंड में आप बोनस आप देखेंगे, डिविडेंड देखेंगे तो वो नहीं मिला है कभी भी। एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट एनुअली में आपके सामने, नेट रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो वो तो ठीक ठाक जनरेट हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा 2020 के अंदर, और यहाँ से फिर दोबारा से आप देखें 2021 में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और ईपीएस आप देखें और डेप्ट में आपके सामने रखूं तो कंपनी जो है धीरे धीरे अब डेप्ट भी कम कर रही है, जैसे इनकी परफॉर्मेंस सुधर रही है, जैसे रेवेन्यू आ रहा है तो एक डेप्ट भी ये कंपनी जो है कम कर रही है, प्रॉफिट जिस तरीके से आता हुआ दिख रहा है। और देख सकते हैं मार्च और जून के क्वार्टर के बाद में क्वार्टर किस तरीके से सुधरते हुए दिख रहे हैं, तो आगे पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव रेंज में ऊपर बढ़ता हुआ दिखे। और आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआईआई के पास में हल्की फुल्की सी होल्डिंग है, प्रमोटर्स के पास में एक दमदार होल्डिंग मौजूद है, हालांकि एफआईआई के पास में कोई होल्डिंग मौजूद नहीं है, 6% की आरओई है कंपनी की एंड डेप्ट है, लेकिन कंपनी के पास में थोड़ा धीरे 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 करके ये डेप्ट कम करती हुई दिखेगी। स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट जो सोच रहा है, मैनेजमेंट आगे जो फ्यूचरिस्टिक जो हो रहा है और अपने जो है कैपेसिटी को एनहेंस कर रहा है, कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव ऊपर आपको देखने को इस शेयर में मिलता हुआ नजर आएगा। मैं आपके सामने शेयर का चार्ट रख दूं तो ये शेयर का चार्ट है, आप देखेंगे तो ये कंप्लीट शेयर का चार्ट है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो शेयर ने स्टार्टिंग के फेज में क्या अच्छी खासी एक रन दिया था, और उसके बाद में शेयर अपने इस वाले लाइफ टाइम हाई को अभी तक टच नहीं कर पाया है, जो है 538 का। तो 538 का ये हाई है और उसके बाद में ये लो लगा है इसका, तो ये जो लो लगा है इस लो के बाद में ये शेयर फिर से ऊपर गया है, हालांकि ये वाला तो इसने हाई ब्रेक किया है जो अभी जो रिसेंटली जो लगा था 2018 में, और वहीं के वहीं अभी कंसोलिडेशन कर रहा है और 61.8% के रेजिस्टेंस के ऊपर अब ये थोड़ा रुकने लगा है, हालांकि देखेंगे तो आप करीब करीब एक 2-3 महीने से यहाँ पे करीब करीब रुका हुआ है। तो पॉसिबिलिटी मेरे को तो लग रही है कि यहाँ से जिस तरीके से पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया और आगे आने वाले टाइम में जो इनको जो फायदा होता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से कैपेसिटी पे एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा काम करता हुआ दिखेगा तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये शेयर यहाँ से भी करीब करीब आपको 750 रुपए से 800 रुपए तक की मूव आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर दिखाता हुआ नजर आएगा। बढ़िया परफॉर्मेंस इससे और आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, अगर ये जैसे ऐसे जो गवर्नमेंट जो ये मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे ये कैपेसिटी एक्सपेंड करते हुए दिखेंगे, न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हुए दिखेंगे और आगे इनको एक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि झिकझिक भरा चार्ट है बहुत ही ज्यादा, तो एक अगर आपको ये अपना लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस शेयर को अपने पास रखना भी है तो हाई स्टॉप लॉस जरूर आपको लगा के रखना है, और स्टॉप लॉस मैं आपको एक बार सजेस्ट कर दूं तो स्टॉप लॉस आपको अब जो रखना है वो रखना है 350 रुपीज का। तो 350 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं, और यहीं पे आप अगर इसे परचेस सिप के थ्रू आप परचेस करें बढ़िया रहेगा। और मेरा करीब 1.5 साल के लिए इसका जो टारगेट है करीब 750 से 800 रुपए तक ये शेयर पहुंचता हुआ दिखेगा आपको। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं आपके सामने रखूं इस शेयर का चार्ट, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि शेयर कहाँ तक पहुंच सकता है। ये शेयर का चार्ट है तो आप देखेंगे ये शेयर ने अभी रिसेंटली हाई लगाया, उसके बाद में फिर ये लो लगाया है, और उसके बाद में शेयर फिर से अपना एक बुलिश ट्रेंड में आ गया है 419 रुपए के 420 रुपए के ऊपर बढ़िया जगह पे चल रहा है। यहीं पे आप इसे परचेस कर सकते हैं। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है वो लगा के चलना है आपको 395 रुपए का, 395 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे यहीं परचेस कर सकते हैं। सही जगह पे है, बिल्कुल अपने इस समय पे अपने बुलिश ट्रेंड में ये लौटा है। मुझे जैसा लग रहा है कि यहाँ से ये शेयर दोबारा से 500 रुपीज का जो है टारगेट टच करता हुआ दिखेगा, तो 500 रुपीज का मेरा टारगेट है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक इसका। बढ़िया परफॉर्मेंस इससे शेयर से देखने को शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में मिल सकती है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इनके बिजनेसेस को पीएलआई स्कीम के थ्रू, और ये भी आगे धीरे धीरे अपने बिजनेसेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं और एक्सपोर्ट पे भी अच्छा खासा ध्यान देते हुए दिखेंगे,
तो बढ़िया आगे एक इनका फ्यूचर रह सकता है। अगर आपने ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।